डीएसपी ने आपको डांटा, हम पे आप बोल कर ले भला वो फ्रस्ट्रेशन में यार ये चलते चलते डीएसपी ने उसको डांट दिया था। पता है दादा ये चलते चलते फोकस आउट हो गया, ये मतलब फोकस ही नहीं ले रहा, फोन ऑन करके ऑफ किया तब ले रहा है। अरे हैंग कर गया भाई, हाँ फोकस ही नहीं ले रहा। सर ये लगा के रखिए, देखिए चल रहा है, साथ में चल रहा है, कनेक्ट है ना। ये है ना कल दिन पता नहीं कहाँ से दो स्टार बन चुके हैं। फालतू क्या कर नरेश भाई, नरेश भाई एक विजुअल नहीं है अंदर का किसी के पास, जबकि विजुअल होता है अंदर का। हाँ। जब भी कोई वीआईपी डालता है तो पता नहीं क्या है इनके पास नॉलेज नहीं है आपको, सर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल। आज आपके लिए बड़ा दिन है, कैसे आप इस दिन को देख रही है, क्योंकि आप मतदान भी कर रही हैं और आपके लिए लोग भी मतदान कर रहे हैं। देखिए मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस होगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं और बेरोजगारी को जो दूर करेगा उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है किस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका बेहतर दिल से धन्यवाद, आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर, खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए और एक उम्मीदवार भी, औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए मैं ना तो आला कमान हूँ ना मैं हाई कमान हूँ, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी पार्टी डिसाइड करती है। और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सरमाते होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है, आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं इस बार सरकार उनकी बनेगी, आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी, इस बार हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से, जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। धन्यवाद। मैम आज आप मतदान कर रही हैं और बड़ा दिन है आपके लिए, कैसे आज के दिन को आप स्पेशली देख रही हैं, क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं खासतौर पर, क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीतती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें, हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी, क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है
बहुत चिंता का विषय है और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक